नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास में आज तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के ट्रक से जा टकराई। कार की स्पीड इतनी अधिक थी कि कार डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क की दूसरी ओर चली गई, जहां पर दूसरी ओर से फतेहाबाद की ओर से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार फतेहाबाद के गाँव ढाणी ईश्वर सिंह निवासी वीर अभिमन्यु की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हिसार से अपने गाँव ढाणी ईश्वर सिंह जा रहा था। गांव बड़ोपल के पास तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और पूरा हादसा नेशनल हाईवे पर बने एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कार किस प्रकार से डिवाइडर को तोड़कर ट्रक से जा टकराई। वहीं मौके पर सूचना पाकर के पुलिस भी पहुंची और यातायात को बहाल कराया। इस मामले में जानकारी देते हुए DSP सुभाष चंद्र ने बताया कि कार की ओवर स्पीड के कारण यह हादसा हुआ। DSP ने बताया कि CCTV कैमरे से तो यही प्रतीत हो रहा है कि तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित हुई और जिसके बाद डिवाइडर को तोड़कर ट्रक से जा टकराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और जांच कर रहे हैं। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। ये जो है गाड़ी जी थी, एक आइटम गाड़ी थी, हिसार की तरफ से आ रही थी और एक इधर से ट्रक जा रहा था, तो गाड़ी की स्पीड जा रही थी और अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है ना ऊपर से दूसरी तरफ जा रही थी, इसमें एक आदमी की मौत हो गई और हमारे SHO साहब जो है ना मौका मिले और नियमानुसार कार्रवाई की मांग। CCTV भी सामने आई है सर इसका? हाँ, CCTV भी सामने आई है, इसमें ये प्रतीत होता है गाड़ी की जो है ना स्पीड ज़्यादा थी और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, उसमें एक आदमी। क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? SHO साहब मौके पर और ये सही कपिल जो इंचार्ज चौकी में जो भी वाजिब कार्रवाई।